अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ किचन फूड सायहा में आप सभी का स्वागत है। मैं हस्मा। तो आज की हमारी अनोखी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करें, ये है इंस्टेंट यूनिक पराठा। जी हाँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी। जी हाँ, बिना बेलन से बेले आप इसको पेस्ट बनाकर बहुत ही आसानी से इस पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसको लंच बॉक्स में, बच्चों के टिफिन बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। आप किसी भी ओकेशन, किसी भी पार्टी पर आप इसको इजीली पराठा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो में बताऊंगी कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा वाला बोल ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, ये है 1 कप। जी हाँ, मैंने इसको अच्छे से छन्नी से छान कर रख लिया है। तो ये 1 कप हम डालेंगे इस बोल के अंदर। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे 2 से 3 पिंच जितना बारीक नमक। तो अब हमें नमक और आटे को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, जी हाँ, बीटर की मदद से। यहाँ पर मैंने एक ग्लास वाटर ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये पानी हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका अच्छा सा गाढ़ा वाला पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, देखिए। तो अब हम इसको अच्छे से फेंट देंगे, देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक ग्लास पानी इसके अंदर अच्छे से डाल दिया है। तो ये बहुत ही गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर लेंगे, यानी कि फिर से 1/4 ग्लास। जी हाँ, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आटे को पानी डालने से ये गाढ़ापन और महसूस होता है। जी हाँ, आटा फूल जाता है पानी डालने से, क्योंकि हम इसका पेस्ट बना रहे हैं। तो आप इसका पराठा भी बना सकते हैं या चपाती भी बना सकते हैं। नाश्ते में बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रोटी है, जी हाँ। तो चपाती बहुत ही ईजिली बन जाती है बहुत ही कम टाइम में। आप इस पेस्ट को अच्छे से बना कर रख लीजिए, जी हाँ, मॉर्निंग में 10 मिनट पहले बनाकर आप गर्मा गर्म इसके रोटियां बनाकर रेडी कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसलिए कम टाइम में बनने वाली हमारी बिना बेलन से बेले कम टाइम में बनने वाली इंस्टेंट रोटी की रेसिपी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नाश्ते में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है बनाने के लिए, और अच्छे से चीज़ें खाने का मन होता है। चपाती रोटी तो हर किसी के घर पर बनती है। तो आइए चलिए, पेस्ट बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, आप देख सकते हैं, ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने तवे को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जितना तेल डाल दिया है। आप चाहे तो बटर या घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तेल से पराठा बनाना बता रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं, तो हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया था। तो ये क्या करेंगे हम, जैसे हम दोसे डालते हैं वैसे ही इसको अच्छे से बना लेंगे। हमारी रोटी बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजीली घर पर बनकर रेडी हो जाती है, देखिए। देखिए, और हम इसको अच्छे से चला लेंगे क्योंकि शेप के लिए, देखिए। तो ये हमारी रोटी पराठा अच्छे से बन रहा है, बिना बेलन से बेले, बिना बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजीली हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनकर, पराठा बनकर रेडी हो जाता है। तो आप लोग भी इसको लंच बॉक्स में, बच्चों के टिफिन बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से अच्छे से सिक रही है हमारा पराठा। तो हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, उसके बाद इसको पलट देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो हमारी रोटी अच्छे से कुक हो चुकी है। यहाँ पर अब हम डालेंगे फिर से थोड़ा सा ऑयल, 1/2 टीस्पून मैंने फिर से डाल दिया है। तो ये पराठा हमारा अच्छे से बन रहा है, देखिए। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा पराठा अच्छे से बन रहा है, अच्छे से सिक चुका है। जी हाँ, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आप इसको, इस पराठे को बना सकते हैं बिना बेलन से बेले, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी। आप इसको किसी भी सब्जी के साथ, किसी भी चिकन हो या मटन के साथ बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। खास करके ये है कि अगर आपके पास कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स आपके घर पर आ चुके हैं, तो आपको बनाना रोटी है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसीलिए घर पर बनाकर खिला सकते हैं, देखिए। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है, देखिए, 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 बहुत ही ईजिली बनकर रेडी हो चुका है हमारा गेहूँ के आटे का पराठा। जी हाँ, गर्मा गर्म मैंने पराठे को बनाकर रेडी कर लिया है। तो ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट वाला पराठा बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने फिर से डाल दिया है, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैंने 1/2 टीस्पून फिर से ऑयल डाल दिया। यहाँ पर अब हम फिर से पेस्ट ले लेंगे, देखिए, हल्का सा इसको फैला देंगे, देखिए, देखिए। तो आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसको इस पराठे को अच्छे से सेकना है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने फिर से पलटा दिया है इस पराठे को, देखिए। तो अच्छे से हम इसको अच्छे से सेक रहे हैं, देखिए।
देखिए यहाँ पर अब हमने बिल्कुल इसको सेक दिया है, तो ये गर्मा गर्म हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चिकन हो या मटन हो या वेज हो या पनीर हो। तो गर्मा गर्म मैंने बना दिया है यूनिक स्टाइल में पराठा। तो आइए चलिए गर्मा गर्म हम आपको पराठे को सर्व करके दिखाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो फाइनली हमारी रेसिपी कम्प्लीट हो चुकी है। हमारे गर्मा गर्म यूनिक स्टाइल के पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान है, इसको बनाना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सभी को हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।